नमस्कार बंधुओं, आज की प्रवचन बेला में आपका भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर के प्रांगण में स्वागत है। हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री आर के सिन्हा जी के मुखारविंद से एक सुंदर सीख जो रावण से हम ले सकते हैं। रामायण के दो अहम कैरेक्टर हैं, राम और रावण, और दोनों ही विद्वान और अवतारी थे। हमने रामचंद्र जी से तो बहुत सीख ले दी, लेकिन रावण से क्या सीख ली बहुत कम ही लोग जानते हैं उनके कैरेक्टर के बारे में। तो आज हम बात करेंगे रावण के चरित्र पर और सिन्हा साहब से सुनेंगे कि रावण की चरित्र से हम क्या सीख ले सकते हैं। और ये फरमाइश बहुत दिन से हमारे पास आई हुई है साउथ अफ्रीका से श्री रामचंद्र वाजपेयी जी की तरफ से, और हम उनसे निवेदन करते हैं कि बहुत दिनों के बाद हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारे ये प्रवचन अच्छे लगते हो तो इसे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा साहब, मेरे प्यारे बच्चों और उपस्थित सभी जन। दिन है तो रात अवश्य है, सुख है तो दुख भी है, काला है तभी सफेद है। अंधेरा का क्या परिभाषा दिया जा सकता है? अगर अंधेरे की परिभाषा देना हो तो हम केवल यही कह सकते हैं कि लाइट की अनुपस्थिति ही अंधेरा है, या उसी तरह से हम कह सकते हैं उजाला का परिभाषा अंधकार की अनुपस्थिति ही उजाला है। प्रकाश है तो प्रकाश क्या चीज डिनोट करता है? अगर मान लीजिए कि आप 10 वाट के बल्ब में बैठे हुए हैं और आपको वहीं पर बगल में जला दिया जाए 100 वाट का बल्ब, तो 10 वाट का प्रकाश जो होगा वो अंधेरा लगने लगेगा और 100 वाट का प्रकाश जो होगा वो उजाला लगेगा। तो ये सब तुलनात्मक अध्ययन है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम उसी को प्राथमिकता देते हैं जो हमारे अनुकूल होता है। हम कभी भी प्रतिकूल को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसीलिए हमारा ज्ञान अधूरा हो जाता है। क्योंकि जब तक ज्ञान की पूर्ण अगर परिभाषा तक हम जाते हैं बच्चों, तो ये हमेशा रखो कि ज्ञान केवल सिक्के का एक पहलू देख करके नहीं किया जा सकता है। जब तक दोनों सिक्का का साइड नहीं देखोगे, जब तक दोनों बातें नहीं सुनोगे, तब तक ज्ञान पूरी नहीं होगी। अक्सर हम लोग अपने जीवन के दौर में अपने मित्रों की बातों को सुन लेते हैं और उसी को सत्य मान लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या होती है ये हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए हम हमेशा अर्ध सत्य में रहते हैं और अर्ध सत्य हमेशा धोखा देने वाली होती है। राम और रावण दो इतने विशाल स्तंभ हैं हमारे संस्कृति के कि किसी एक की कहानी कह करके हम दूसरे को अनदेखा कतई नहीं कर सकते हैं। अगर हम राम की बात कर रहे हैं तो राम का जन्म क्यों हुआ, जो इतना बड़ा महान पुरुष जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं, जो हमारे भगवान थे, तो भगवान को भी इस पृथ्वी पर आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, इसलिए रावण का संहार कर। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि रावण कोई छुट भैया हीरो नहीं था, कोई छुट भैया कोई लफाबाजी वाला नहीं था। रावण भी उतनी ही शक्तिशाली होगा कि उसको मारने के लिए भगवान को अवतरित होना। तो रावण की विषयता को हम बहुत कम आंकते हैं, चूंकि हमारी सोसाइटी, हमारा रहन सहन अर्ध सत्य में ही जी रहा है। तो जो हमारा है वो हमारे लिए सब कुछ हो जाता है, उसकी सारी दोष छिप जाती है, और जो दूसरे फेस पर है उसको हम लोग अक्सर हाँ उसको खराब कहते हैं। मतलब कि रावण जो है उसे हम राक्षस का रूप दे देते हैं,
उसे हम दस मुख कह देते हैं, बड़ा बढ़िया आकृति बना देते हैं, दस गो सर लगा देते हैं, एक बीच में लगा हुआ है और कहते हैं यही रावण है। और दशहरा में उसमें आग लगा करके नाचते गाते हैं। लेकिन कभी सोचा आपने कि रावण था क्या, कौन था? ठीक है, चूंकि राम के वंशज हम लोग हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, राम हमारे भगवान हैं, इसलिए उनको सादर प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि जो भगवान जिसके लिए अवतरित हुए वो भी कोई कम ये नहीं था, अतुलनीय था वो भी। रावण भी बहुत विशाल था, रावण दस ग्रीवा का मालिक था, मतलब दस सर नहीं थे मेरे बच्चों, रावण के पास दस सर नहीं था, रावण दस आदमी के दस दिमाग के बारे में अकेले सोचता, उसका दिमाग एक साधारण मनुष्यों से दस गुना ज्यादा चलता था। रावण इतना प्रतापी था, इतना शक्तिशाली था कि शिव को भी अपने बस में कर लिया था। हम लोग इतनी पाठ पूजा करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, फिर भी कोई एक देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, और रावण ने पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों में कर लिया था, सबको जीत लिया था, स्वर्ग पर राज था, इंद्र उससे भागते थे, नौ ग्रह जो एक एक ग्रह हमारी भविष्य के दृष्टा हैं, भविष्य का निर्धारण करता है, नियंता है, उन सारे नौ ग्रहों पर शासन रावण का था। कुबेर का खजाना कहते हैं, कुबेर रावण का भाई था, परंतु कुबेर भी रावण के अधीन था, मतलब सृष्टि की सारी संपत्ति का मालिक अगर कोई एकमात्र था तो बुद्धिमान, दस सिर के बराबर, मतलब दस मनुष्यों के बराबर अकेले था, और शक्तिशाली, शक्तिशाली इतना कि कोई उससे विजय पा ही नहीं सका, अजय था, अजय, इसीलिए तो भगवान को भी इस पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा, भगवान को भी मनुष्य के रूप में दुख को झेलना पड़ा, भगवान भी दुखों के सागर से गुजरे हैं, हम जिनको भगवान कहते हैं वो नर के रूप में आकर के सब कुछ दिखाए हैं कि हम नर के रूप में थोड़ी सी दुख आ जाती है, थोड़ी सी प्रसन्नता आती है, थोड़ी सी असफलता आती है तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। राम के पास कितनी असफलताएं हैं, लेकिन राम हर दिन हर क्षण एक अपनी नियत कार्य के लिए ही सतत प्रयासरत रहे। उनको रावण को मारना था, क्योंकि वो जानते थे कि रावण का वध, रावण से मुक्त करना संसार को किसी और देवी देवता और गण में नहीं है, केवल स्वयं भगवान ही थे, स्वयं राम ही थे जो मार सकते थे। तो आइए हम लोग रावण से कुछ दस सीख सीखें, दस सीख से दस सीख आज कम से कम सीखें। जब रावण हार गया, रावण जब हार गया, युद्ध भूमि में गिर गया, तो राम ने लक्ष्मण को बोला, हे लक्ष्मण, जो तुम आज देख रहे हो धाराशाही होते हुए इस वीर को, ये वीर एकमात्र ऐसा वीर है जो सब पर विजय प्राप्त कर चुका है, हर चीज पर विजय प्राप्त कर चुका है, ये केवल प्रभु मतलब विष्णु को छोड़कर के बाकी किसी को नहीं छोड़ा है, शंकर को भक्ति से जीत लिया है और जो नहीं जीते जा सकते थे उनको शक्ति से जीत लिया है, माँ काली को भी प्रसन्न कर लिया है, माँ काली भी इसी के गुणगान करती हैं और सब लोग सहृदय होकर के बरदान देते हैं, ब्रह्मा भी इसे अमोघ बरदान दिया, इसे अमरत्व का बरदान दिया, केवल एक पैसे छूट गया, वो रावण की मूर्खता के चलते छूट गया, क्योंकि रावण जानता था कि मैं इतना वीर और शक्तिशाली हूँ, देवी देवताओं पर विजय पा सकता हूँ, कहीं शक्ति से तो कहीं भक्ति से तो कहीं अपने कमिटमेंट से, जिस कार्य में लग जाता था उसको सफल करके रखता था। रावण से ये सीखने को मिलता है कि कोई भी कार्य करो तो पूरे मनोयोग से करो, पूरा ध्यान से करो, कार्य में सफलता मिलेगी ही। ब्रह्म को भी प्रसन्न किया, शिव को भी प्रसन्न किया, माँ काली को भी प्रसन्न किया और समस्त सृष्टि का मालिक बन करके बैठ गया। केवल जब ये सारी चीज़ हो रही थी
ब्रह्म ने कहा कि मैं तुम्हें अमोघ वरदान वरदान नहीं दे सकता हूँ, सृष्टि की यह नियति है कि जो जन्म लिया हो मरेगा ही, तो तुम अमर तो हो लेकिन कोई ऐसा बताओ जिसके जो तुम्हारे मृत्यु का कारण हो सकता है। तो रावण ने बहुत कैलकुलेट किया, क्योंकि महान पंडित था रावण, तो उसने कैलकुलेट करके देखा कि मैं सब पर विजय पा सकता हूँ, मेरे सामने तुच्छ मानव बंदर रिक्ष ये सब जो हैं जंगली जानवर, ये मेरे पैरों के नीचे दब करके मर जाने वाले लोग हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मनुष्य रिक्ष बानर इनको छोड़ करके हमें कोई न मार सके। ब्रह्मा ने कहा यो मस्तु, ब्रह्मा ने ये वरदान दे दिया। रावण जानता था कि मनुष्य और रिक्ष बानर में कौन सी शक्ति है, ये तो हमारे पैरों के नीचे रहने वाले हैं, ये लोग क्या करेंगे। लेकिन रावण वहीं पर एक गलती कर गया अभिमान में। वो अभिमान में क्या गलती किया, अगर उसको चींटी और हाथी का संबंध मालूम होता कि एक चींटी भी हाथी का जान ले लेती है, अगर हाथी के सूंड में चींटी एक समा जाए तो एक चींटी ही उतने विशाल का हाथी को मार सकती है। रावण यहीं पर मात खा गया और यही उसके मौत का कारण बना। एक छोटी सी भूल, जो भूल क्यों हुई, उसके अहंकार के चलते हुई। तो राम ने लक्ष्मण को बहुत समझाया, हे लक्ष्मण, रावण वीर प्रतापी और बहुत धनुर्धर होने के साथ साथ महान महात्मा है, ये मतलब शक्तिशाली सिद्धियां प्राप्त किए हुए है, ये गुणों का खान है। ठीक है, अब तो रावण जा रहा है, तुम जाकर के इससे कुछ शिक्षा ले लो। लक्ष्मण जाते हैं, लक्ष्मण के दिमाग में थोड़ी सी अहंकार है, लक्ष्मण धराशाही पड़े हुए अपने शत्रु को देख करके उसके सिरहाने खड़े होते हैं। उनको लगता है कि मैं तो इसका विजयी हुआ सम्राट हूँ, इसके सिरहाने ही खड़ा रह जाएगा। लेकिन रावण उस वक्त भी अपने विवेक का परिचय देता है और लक्ष्मण को समझाता है, हे लक्ष्मण, सीखना हो तो मेरे पैरों की तरफ आओ, सर पर बैठ करके नहीं सीखा जा सकता है। अतः गुरु से जब भी कुछ सीख रहे हो बच्चों, तो गुरु के पैरों की तरफ जाना जाता है, गुरु के सर की तरफ नहीं जाया जाता है। सीखना जब भी कभी हो तो पैरों की तरफ आओ। लक्ष्मण पैरों की तरफ आता है तो रावण पहला सीख क्या देता है कि अपने निकटतम लोगों से कभी भी बैर ना करना। रसोईया, द्वारपाल, और आज की डेट में अगर कहें तो ड्राइवर, उस डेट में कहें तो रथ का सारथी, ये जितने भी सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, ये जितने भी लोग हैं, कभी भूल करके भी इनसे दुश्मनी न करना। आप लोग जब भी अपने नौकरी के सामने आओगे, जब भी कोई ऑफिस अटेंड करोगे, तो कभी भी अपने पीए से, अपने चपरासी से, अपने ड्राइवर से, अपने निकटतम कोई भी हो, खाना बनाने वाला हो, रसोईया हो, जहाँ सेविंग कराने जाते हो, नाई हो, इन सबों से दुश्मनी कभी मत लेना, नहीं तो भारी पड़ेगा। रावण की ये पहली सीख थी कि अपने निकटतम जो भी आपके आसपास हमेशा रहता है, उनसे कभी भूल करके भी दुश्मनी मत लेना। हम भी बोलते थे अपने ड्राइवर को कि देखो, हम लोग चल रहे हैं कहीं यात्रा पर, तो हम लोग रास्ते में बस दो ही हैं, सबसे निकटतम संबंधी तुम मेरे हो और तुम्हारे सबसे निकटतम मैं हूँ। अगर कहीं कुछ हो जाता है रास्ता में, घटना दुर्घटना, तो तुम्हारे अलावा हमारा कोई और अपना नहीं होगा, और तुम्हारे साथ होता है तो मेरे अलावा कोई नहीं होगा। निकटतम जो कुछ भी हो, जो कोई भी हो, सबॉर्डिनेट है, तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा याचक है, लेकिन उससे कहीं भूल करके भी दुश्मनी न मिले। कभी भी यह मत सोच करके निकलो कि तुम सर्वदा और हमेशा विजयी ही रहोगे। इसलिए अपने दिल में हमेशा एक बना करके रखो कॉर्नर कि अगर हार भी जाऊं तो उसको किस तरह से फेस करूं। खास करके आप लोग बच्चों को ये दिमाग में आता है, कभी कभी फेल कर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और आज की डेट में ये देखा गया है कि इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी है कि फेल करके लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। फेल्योर जो है वो सबक देता है आगे कैसे स्टेप लेना है। तो फेल्योर इज पिलर ऑफ सक्सेस, ये हमेशा याद में रखिएगा। फेल्योर हमेशा आपको एक्सपीरियंस कराता है, लेकिन बढ़िया स्टेप उठाते तो आप पास होते हैं। तो कभी फेल्योर से कभी घबराइएगा मत,
और कभी भी ये दिमाग में मत रखिए कि हम हर कार्य में हर जगह पर हमेशा सफल ही होंगे। असफलता तो आना ही है, दिन है तो रात होगा ही, और उस समय केवल इतना ही एक मंत्र याद रखना है, एक ही मंत्र रखना है, दिस टू विल पास, दिस टू विल पास, टू टी डबल ओ, दिस टू विल पास। यह भी गुजर जाएगा, जैसे सुख गुजर जाएगा, जैसे दिन गुजर जाएगा, रात आएगी, तो रात में भी फिर फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, रात भी गुजर जाएगी, फिर दिन आएगा। तो हमेशा दिमाग में रखो एक ही मंत्र, मूल मंत्र, दिस टू विल पास। ये मूल मंत्र याद रहेगा बच्चों, दिस टू विल पास। कभी भी कोई भी खराब स्थिति आवे, कभी भी कोई परिस्थिति में अगर पड़ जाओ, कभी संकट में पड़ जाओ, घिर जाओ, उसके बाद दिखाई नहीं दे रहा कि रास्ता किधर है, तो केवल एक मंत्र याद करना, दिस टू विल पास। और ये तुमको अंदर में शक्ति देगी, और तुमको समय मिलेगा, उस समय को कैलकुलेट करके तुम एक्शन ले सकते हो। तो हमेशा ये मत सोचो कि हम विजयी होंगे। आगे है कि कभी यह मत सोचो कि शत्रु जो है वो तुच्छ है, छोटा है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। समय पड़ने पर एक मामूली सी चींटी हाथी को मार देती है। शत्रु को कभी तुच्छ मत समझना। मैं कह चुका हूँ कि रावण मनुष्यों को, ऋक्षों को, वानरों को तुच्छ समझता था, जिसने ब्रह्मा से वर में यही मांगा कि मनुष्य, ऋक्ष, वानर छोड़ करके मुझे कोई न मार सके। वो कहाँ समझता था कि इतने छोटे जंतु भी कभी उसके जीवन के हमला बन जाएंगे, उसका मर्डर कर सकते हैं। एनीवे, ख्याति और यास प्राप्त करने के लोभ में कभी भी मदमस्त न होना, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। जब कुछ एक चीज पा लेते हो तो तुरंत इच्छाएं जो होती है दूसरी चीज को पाने के लिए तत्काल खड़ी हो जाती हैं। इच्छाओं पर दमन करना सीखो, इच्छाओं को फॉलो करना मत सीखो। जैसे ही इच्छाओं को फॉलो करने लगते हो, इच्छाएं जो हैं सुरसा की मुंह की तरफ बढ़ना लगती है, और इच्छाओं के अंदर में लोभ आता है। लोभ केवल एक ही मात्र चीज से परिभाषित हो सकता है, वह लोभ यह है कि जब कोई चीज इच्छा तुम्हारी स्वयं के लिए हो जाए, व्यक्तिगत सुख के लिए हो जाए, तो उस इच्छा को कहते हैं लोभ। और ये लोभ बढ़ते गया। लंका सोने की थी, लंका में कोई हीरे जवाहरात की कमी नहीं थी, खुद कुबेर उसके अधीन थे, 9 ग्रह उसके अधीन थे, फिर भी रावण की लोभ बढ़ती गई। सुरा की, सुंदरी की, माया की, सबकी लोभ बढ़ी, सीता का हरण करके ले गया, और वही लोभ उसके विनाश का कारण बना। तो ख्याति और यश प्राप्त करने का उत्सुक होना, उसका लोभी होना, कहीं न कहीं आपको ले जाकर के पाताल में पटक देगा। एक राजा का हमेशा ये कर्तव्य होना चाहिए कि राज्य करते समय केवल प्रजा का सुख देखे, प्रजा का भला देखे, अपने सुखों से हट करके, अपने परिवार से हट करके, अपने लोगों से हट करके, अपनी प्रजा को पिता स्वरूप बन करके पालन करना चाहिए। आज की देख रहे हो, आज जो राजा हैं अपने परिवार के लिए, नेहरू डायनेस्टी को देख लो, मुलायम सिंह के डायनेस्टी को देख लो, करुणा निधि की डायनेस्टी को देख लो, ये सब लोग आज के राजा हैं, लेकिन क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों आज विपक्ष में भी बोलने की हिम्मत इनकी नहीं हो रही है, क्यों ये स्ट्रांग होकर के गवर्नमेंट को नहीं डिफेंड कर रहे हैं, केवल परिवारवाद के चलते। एक राजा जब भी परिवारवाद के अंदर फंसता है तो उसका पतन निश्चित होता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है प्रजा का हित देखना, प्रजा का सुख देखना। दूसरा, आगे बढ़ते हैं 6 अध्याय की ओर। तो कभी भी चापलूस, मक्खनबाज और झूठी प्रशंसा करने वालों से सावधान रहे। अगर कोई चापलूसी कर रहा है, मक्खन लगा रहा है, तो प्लीज बी वेयर ऑफ दैट। वहाँ पर कहीं न कहीं नियत में खोट होती है,
तभी लोग चापलूसी पर उतारते हैं। और एक बहुत छोटी सी कहावत मैं अगर आप लोगों को आज बता दूँ, अभी आप लोगों को जीवन में बहुत लंबा लाइन चलना है तो ध्यान से सुनिए, एक बहुत मूल मंत्र देता हूँ, सुन लो बेटा, काम आएगा, क्योंकि ये लाइफ में फिर दोबारा नहीं मिलेगा ये लाइफ, काम आएगा। अति भक्ति चोर लक्षण, इसको रट लीजिए, अति भक्ति चोर लक्षण। जब कोई आपको जरूरत से ज्यादा आपसे भक्ति दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि मन में कहीं ना कहीं उसके चोर बैठे हैं। जहां भी देखिए आज की डेट में आपको जगह जगह पर तरह तरह के प्रलोभन दे दे करके, कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है, कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है, 10 रुपया लगाओ 50 रुपया मिलेगा, 50 रुपया लगाओ 500 रुपया मिलेगा, ये लॉटरी ले लो, ये इंश्योरेंस करा लो, ये सब लोभ दे दे करके जहाँ भी कैलकुलेटेड वे से ज़्यादा गेन मिल रहा है, प्लीज़ गांठ बांध लो कि अति भक्ति चोर लक्षण, वहाँ सावधान हो जाओ। जब कोई सीमा से बाहर जा करके तुमको सब्ज बाग दिखाता है, एक आया था हम लोग के समय भी, नवभारत टाइम्स का था, वो वृक्ष लगाने वाला सागवान वृक्ष 95 के आसपास, और उसमें सारे लोगों का पैसा डूबा, वहाँ भी प्रलोभन इतना ही था। और मैं उस समय इसी मंत्र से बचा था, सारे लोग हमको कन्विंस कर चुके थे, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही आया, इतना ये आदमी क्यों सिफारिश कर रहा है, जरूर इसके मन में कहीं धोखा है। और अल्टीमेटली आई वाज प्रूव राइट, वो प्रेम से भक्ति से लोगों को लूटा था। तो अति भक्ति तो हमेशा पहचानो कि कौन हमारी तारीफ कर रहा है, और जो सच्चे मित्र होंगे तो वो आपकी सच्चाई आपके मुंह पर बोलने से थोड़ा सा भी हिचकेंगे नहीं। अगर कोई आपका क्रिटिसाइज करता है, आपके मुंह पर करता है, आपके पीछे पीछे नहीं, तो ये मान करके चलो कि मेरा सच्चा मित्र है, वो चाहता है कि मेरी जो कमी है वो दूर हो, इसलिए ऑलवेज इनवाइट सच्चे मित्र। अगला आइए, कोई भी मणि रत्न पंडित ज्योतिष आपको कहीं भी आपके भाग्य से ज्यादा नहीं दिला पाएंगे, जो आपका कर्म है उतना ही आपको प्राप्त होगा, जैसा करोगे आज वैसा ही कल भविष्य होगा, आज की खेती कल की फसल है, कल की खेती आज की फसल थी, तो वर्तमान अगर खराब है तो आपका भूतकाल में आपने कर्म खराब किया था, और आज अगर वर्तमान में बढ़िया कर्म करेंगे तो आने वाला भविष्य आपका सफल होगा, इसलिए ये मान के चलिए कि आपकी कर्मों की खेती और कहीं नहीं जाएगा। और जो अच्छा काम है, अगला आठवां सीख है, जो अच्छा काम है वो सुबह से शीघ्रम जितना जल्द हो अच्छे कार्य को संपादित करेंगे, कभी मत टाली अच्छे कार्य को। रावण को नॉलेज था, टेक्निक मालूम थी कि स्वर्ग में सीढ़ी बना सकता था, उसकी ख्वाब थी, सपना था कि मैं अपने पूरे जनता जनार्दन को स्वर्ग ले जाऊंगा, भेज दूंगा, स्वर्ग में सीढ़ी रहेगी, लंका के सारे लोग सीधा स्वर्ग जाएंगे, लेकिन शक्तिशाली बहुत था, उसके अहम था कि मैं तो जब चाहूंगा तब बना लूंगा। आप लोग भी ऐसा ही करते हो, जब चाहूंगा पढ़ लूंगा, नतीजा होता है एग्जाम आ जाता है, उस दिन तड़फाने लगते हो कि ये चैप्टर छूटा, वो चैप्टर छूटा, ऐसे छूटा, वैसे छूटा, इसलिए जो भी दिमाग में आवे सुभाष्य शीघ्रम, और जो अनिष्टकारी चीजें हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको दुर्बलता का प्रतीक हो रहा है उससे आप टालें। अगर मान लीजिए आपके बात करते समय कभी भी आपके आसपास आपके दोस्तों का फोन आ जा रहा है, आपका व्हाट्सएप पर मन कर रहा है, तो उसको थोड़ा देर के लिए टाल दीजिए कि अभी नहीं, मैं अपना टारगेट पूरा कर लूँ तब उसको देखूँगा। थोड़ा सा टालना ही आपका जो है आपके जीवन में क्या क्या नहीं तरक्की ला देगा, क्या क्या नहीं सफलता दिला देगा, इसका कथन बड़ा मुश्किल है। अगली चीज नौवीं सीख, अपने रहस्य को अपने किसी भी निकटतम को कभी न बताओ, अपने रहस्य को अपने ही तक सीमित रखें। अगर अपना रहस्य आप जाहिर करते हैं तो किसी न किसी दिन आप उन रहस्यों के बताने के चलते आप धोखा खा सकते हैं। रावण जैसा शक्तिशाली सम्राट मारा नहीं जाता अगर विभीषण को ये रहस्य नहीं बताया होता।
विभीषण ही कारण बने कि राम समुद्र लांघ करके लंका में पहुंचे, विभीषण ही कारण बने कि हनुमान को सीता का पता लगा अशोक वाटिका में बैठी हुई है, विभीषण ही कारण बने जो रावण के नाभि में अमृत कुंड है इसका भेद बताया, विभीषण ही कारण बने जो लंका के सारे राज को खोले, रावण शक्तिशाली था, महापंडित था, वो पूजा कर रहा था, देवी की आराधना कर रहा था, देवी की आराधना को भी भंग करने वाले विभीषण की ही कमाई वो कभी भी अपना रहस्य कभी भी किसी को भी गलती से भी ना बताऊं, और दूसरा चीज जो करें मेडियोकर न रहे, अगर प्रेम करना है भगवान से तो प्रेम भी ऐसा करो कि फिर कोई एग्जाम्पल ना बचे, जब कोई नाम ले तो केवल तुम्हारा ही नाम आवे, जैसे रावण ने प्रेम किया भक्ति से उसने सब कुछ हासिल कर लिया, भक्ति से शिव को प्रसन्न कर लिया और शिव को ही अपने नियंत्रण में ले लिया, ये भक्ति की शक्ति थी। प्रेम करो तो अद्भुत करो, अद्वितीय करो, अनुपम करो, अभिनव करो, और नहीं कर सकते हो तो शत्रुता भी करो कि खुद स्वयं भगवान को आना पड़े इस धरती पर मारने के लिए, तो कोई भी जब दोनों करोगे तभी आपका जो परिणाम होगा वो अद्वितीय होगा, अगर भक्ति किए तब भी प्रभु मिलेंगे और अगर दुश्मनी किए शक्तिशाली दुश्मनी तब भी प्रभु मिलेंगे। रावण को किसने मारा? राम ने मारा। राम क्यों आए? रावण को मारने आए। और रावण का दाह संस्कार किसने किया? राम ने किया। तो प्रभु को भी उतर करके आना पड़े दाह संस्कार करने के लिए, ऐसी दुश्मनी मोल लो। ऐसी दुश्मनी क्या मोल लेना कि कोई छोटे मोटे जीव तुमको कर दे, हनुमान जैसा सीखो। दुश्मनी क्या मोल लिए? उनको देखना था रावण का किला, तो क्या किए? रावण के बेटा को ही मार दिए ताकि छोटा मोटा जज फैसला ना सुना ले। एक बंदर को फैसला सुनाना हो तो रावण को सुनाना पड़े, क्योंकि रावण का बेटा मरा था, तो शक्तिशाली रावण हनुमान को बंधवा करके अपने किला में मंगवाता है और हनुमान का पर्पस सॉल्व हो जाता है, किला में कैसे मंत्री लोग हैं, किला का कैसा सुरक्षा है, सब कुछ जान जाते हैं। तो कभी भी जो काम करो पूरी शिद्दत से करो, पूरी मेहनत से करो, पूरी जान लगा करके करो और चरम सीमा तक करो, और मैं समझता हूँ कि आज के बाद आप लोग भी अपने काम में खूब शिद्दत से लगेंगे, खूब मन से लगेंगे और हर सफलता को आप लोग हाजिर करेंगे। मैं आर के सिन्हा आप लोगों को आज प्रेरणा दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोग मेरे इस आदमी को जो भी ज्ञान है वो आपको मिले और आप सफल हों, हमसे आगे बढ़ें। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा यदि आप अपने जीवन में सफल होंगे।